हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लब्राडा मास गेनर। दोस्तों, अगर आप लब्राडा मास गेनर लेने के लिए सोच रहे हो या फिर अगर आप ले चुके हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो लब्राडा मास गेनर जो आपने लिया है या जिसको लेने के लिए सोच रहे हो कि वो ओरिजिनल है या फिर वो फेक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी पहचानें बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हो अपने लब्राडा मास गेनर क्योंकि आपका जो लब्राडा है वो ओरिजिनल है या फिर वो फेक है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप लब्राडा मास गेनर ऑनलाइन तो बिल्कुल भी मत खरीदना भाई, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। एक बार ऑनलाइन मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तो आप फ्लिपकार्ट से तो बिल्कुल मत मंगाना। उसकी वीडियो यहाँ पे आ गई होगी, पूरी जानकारी मैंने उसमें दे रखी है, कार्ड आया होगा, उसको देख सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, दोनों पार्ट में बनाई हुई है मैंने वो वीडियो, आप वो वीडियो देख लेना, पूरी समझ में आ जाएगी कहानी के आपको ऑनलाइन क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड बेके जा रहे हैं लब्राडा मास गेनर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेड बताने वाला हूँ, जिससे कि आप जैसे ही आप लब्राडा मास गेनर को देखोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है या फिर ये फिर फेक है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए हो तो। आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि देखिए, लब्राडा जो मास गेनर है ये मैंने नया लेके आया हूँ, मैं इसको खुद जाके दुकान से लेके आया हूँ, और जो मेरा वो फेक था वो मैंने फेंक दिया, उसकी पूरी कहानी आप वीडियो में देख सकते हो। तो ये जो बॉक्स जो आ रहा है, जो डिब्बा जो आ रहा है, इसको कैसे पहचानोगे आप? देखिए, इसकी बहुत सारी पहचानें हैं, आप सभी को मैच करके देख लीजिए, आपको अगर सारी मैचिंग करते तो आपका वो लब्राडा मास गेनर जो है वो ओरिजिनल है। देखिए, सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कि जो लब्राडा है उसका एक प्लांट इंडिया के अंदर है, और एक प्लांट यानी कि जहाँ पे ये बनाया जा रहा है वो हमारा बाहर है, यूएसए में। तो देखिए, ये जो है दो तरह से आता है। सबसे पहली बात करते हैं हम इंडिया वाले की। देखिए, इंडिया की जो पैकिंग है वो हमारी 3 किलो की है, ये जो पैकिंग है हमारी ये है 2.7 किलो, यानी कि 2 किलो 700 ग्राम। ये बाहर वाला है, जो इंडिया वाला है वो 3 किलो का है, और जो बाहर वाला है वो 2.7 किलो का। एक पहचान तो ये है। दूसरी जो पहचान है, अगर LBS की बात करें तो बाहर वाला 6 LBS का है और इंडिया वाला 6.6 LBS का है। दूसरी जो पहचान है वो ये है कि जो बाहर वाला होगा यानी कि जो यूएसए का मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो उसका जो टैग है ये इंपोर्टर टैग यानी कि MPN, इसका जो ऑथराइज इंपोर्टर है वो MPN है, और जो इसका जो टैग होता है, ये जो टैग की जो लंबाई है ये चौड़ी लंबी होगी, यानी कि बाहर वाला जो होगा जो यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो टैग की लंबाई है वो बड़ी होगी, और जो इंडिया वाला होगा उसकी टैग की लंबाई छोटी होगी, यानी कि इतना होगा। मैं आपको दिखा दूंगा कितना होता है साइज, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आ गया होगा, इतना साइज दोनों में डिफरेंस होता है, इंडिया वाला छोटा होता है और बाहर वाला बड़ा होता है। अब बात करें हम दूसरी पहचान की। दूसरी पहचान दोस्तों यही है, आपको पता होगा कि ये जो ट्रू MPN का जो टैग होता है, इसको जब आप स्क्रैच करोगे यहाँ से, तो इसके अंदर एक कोड निकलता है हमारा। तो इस ये जो कोड हमारा निकल कर आएगा, इस कोड को जब आप ट्रू MPN के ऐप पर चेक करोगे तो वो आपको दिखा देगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है या फिर वो फेक है। दोस्तों, एक बात और बताता हूँ, अगर किसी ने ये कोड पहले स्क्रैच कर लिया होगा तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपका जो कोड है वो पहले स्क्रैच किया जा चुका है। दो पहचाने तो हमारी ये हो गई। इंडिया वाले में भी सेम प्रोसीजर है, अगर आपको नहीं आता है कैसे आप ट्रू MPN पे चेक करोगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है उसमें आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पे कार्ड आ गया होगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो कैसे आप ट्रू MPN पर अपना प्रोडक्ट चेक कर सकते हो। अगली जो पहचान है दोस्तों वो ये है कि इसमें जो है ये जो यहाँ का होता है, जो बाहर देश का होता है, इस पर जो एड्रेस होते हैं, एड्रेस जो ये बना हुआ एड्रेस होता है, बनाने के जो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है वो बाहर का होगा, और जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है उस पर इंडिया का एड्रेस जरूर लिखा होगा, HP का यानी कि हिमाचल प्रदेश का एड्रेस उस पर लिखा होगा जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है। तीसरी अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए, ये देखिए नीचे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लॉट नंबर लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट जिस मंथ की होगी लॉट नंबर भी वहीं से स्टार्ट होगा, जैसे कि मान लो मैन्युफैक्चरिंग डेट 09 मंथ से स्टार्ट है तो वहीं पर लॉट नंबर भी 09 से स्टार्ट होगा। एक चीज़ और बता दूं आपको, इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो होती है 2 साल की, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर इस महीने की है तो आज से 2 साल बाद सेम उसी मंथ की इसकी एक्सपायरी डेट भी होगी। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है, इसमें लिखा होता है बेस्ट बाय, जो बाहर देश का होता है यानी कि जो USA
मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बेस्ट बाय लिखा होगा, आप ये चीज जरूर नोट कर लेना। तीसरी चीज जो बात करें हम इसकी पैकिंग की, दोस्तों इसका जो ये लेबल होता है, ये लेबल देखिए बड़ा स्मूथ है, ये जो है पूरा कहीं से उबड़ा खुबड़ा नहीं होगा, कहीं से भी बिल्कुल स्मूथ चिपका होगा, जब आप हाथ लगाओगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको, जो ये स्टिकर चिपकाने का जो तरीका होता है ये होता है मशीन का लगाया हुआ, जो इंडिया के जो फेक प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो है ये हाथ से लगाया जाता है, तो हाथ से ऊपर नीचे उसकी चिपकाने की जो पैकिंग होती है वो बिगड़ जाती है, उसकी लाइनिंग। देखिए आप यहाँ पर देखोगे कि जो रेशो यहाँ से यहाँ तक है बिल्कुल इकसार लगा होगा, हर जगह से बिल्कुल इकसार, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, और कटिंग जो होगी वो भी एकदम स्मूथ होगी, एकदम स्मूथ कटिंग है, कहीं से ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी कटिंग नहीं होगी। और ये जो चिपकाने का जो लेवल होगा बिल्कुल इकसार होगा, चारों तरफ एकदम इकसार लेवल पे चिपकी होगी, बिल्कुल बराबर लेवल पे। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मशीन से चिपकाए जाते हैं, और जो वो लोकल होते हैं जो फेक प्रोडक्ट होते हैं वो हाथों से चिपकाए जाते हैं। और जो अगर हम बात करें, चाहे सारी डिटेल्स हैं वो आप MPN के यहाँ पर लोगो है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, सब चीज़ें यहाँ लिखी होती हैं। और अगर बात करें एक सील की, देखिए मैंने सील खोल दी, अब दिखा देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे ढक्कन पे एक सील होती है इस तरह की, ये सील भी बड़ी फाइन सील होती है, जब मैंने इसको भी खोला था तो ये बिल्कुल इकसार ढक्कन से लेके यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल इकसार, आप बिल्कुल भी 1 सेंटीमीटर का भी इतना सा भी डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल बारीकी से सील लगी होती है। और जब आप सील को खोलोगे तो बड़े प्यार से भी खुल जाती है, हल्का सा यहाँ से कट लगा होता है इसमें, इसको आप खोलो तुरंत खुल जाएगी। फिर उसके बाद में जब आप इसको ओपन करोगे ढक्कन को, तो यहाँ की जो सील है वो भी बिल्कुल प्रॉपर लगी होती है, ये देखिए अभी तक खोला नहीं है मैंने इसको, ये बिल्कुल प्रॉपर, कहीं से भी उखड़ी नहीं होगी, थोड़ी बहुत भी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपर सील होगी हर जगह से एकदम, चारों तरफ ढक्कन के कैप के चेक कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्टली स्मूथली एकदम लगा हुआ होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ पहचानें, आप इनको देखकर बड़े प्यार से पहचान सकते हो कि हमारा जो लबराड़ा मास गेनर है वो हमारा ओरिजिनल है या फिर वो फेक है। सबसे मेन चीज़ तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्टिकर है आपका और जो वेट की क्वांटिटी है वो इंडिया वाले की 6.6 LVS होती है और बाहर वाले की 6 LVS होती है, और जो इंडिया का इंपोर्टेड है होगा वो छोटा होगा और जो बाहर वाले का होगा वो बड़ा होगा। और इस कोड को स्क्रैच करके आप आराम से पता लगा सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है या फिर वो फेक है। और इंपोर्टर इसका ओरिजिनल जो इंपोर्टर है वो MPN है। अगर आपसे कोई बोलता है कि हमें दूसरे इंपोर्टर का ये लबराड़ा मास गेनर ले लो, तो बिल्कुल नहीं लेना है, वो फेक हो सकता है बिल्कुल 100%। और आपको MPN इंपोर्टर के साथ जो टैग लगा होगा आपको उसी को इसको लेना है। तो दोस्तों ये पहचाने हैं कुछ, इन पहचानों को करके आप बड़े प्यार से अपने लबराड़ा मास गेनर को पहचान सकते हो कि आपका जो वो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है या फिर वो फेक है। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि पैकिंग बड़ी स्मूथ होती है, कहीं से भी कोई फॉल्ट आपको नज़र नहीं आएगा। और जो इंडिया वाला जो होता है उसमें एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और सब चीज़ें यहाँ पर लिखी होती हैं, यहाँ पर होती हैं टैग में, उसमें यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, इंडिया वाले में यहाँ पर नहीं मिलेगी, उसमें आपको यहाँ पर मिलेगी, MPN लिखा होगा उसमें और वहाँ पे डेट वेट सब कुछ यहीं पर होगी, इस वाले लोगों के ऊपर होगी। तो दोस्तों ये कुछ पहचाने हैं, आप इनको पहचान करके बड़े प्यार से पहचान लोगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।